चाणक्य समसामयिक विशेष में आप सभी का स्वागत है। हमारा आज का विषय है राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन। इस विषय के अंतर्गत हम देखेंगे कि यह चर्चा में क्यों है, राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन क्या है, हेल्थ आईडी क्या होता है और इस योजना के क्या उद्देश्य हैं। इसके बाद इससे संबंधित प्रश्न पर हम विचार करेंगे। आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि यह चर्चा में क्यों है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोविड-19 का टीका उपलब्ध होने पर टीकाकरण के लिए राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन अर्थात NDHM के तहत डिजिटल स्वास्थ्य परिचय पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। महत्वाकांक्षी NDHM कार्यक्रम की घोषणा स्वतंत्रता दिवस पर की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार मिशन के तहत नामांकित प्रत्येक व्यक्ति को स्वास्थ्य परिचय पत्र मिलेगा जो चिकित्सा सेवाओं तक उनकी पहुंच आसान करेगा। चलिए अब हम देखते हैं कि राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन क्या है। राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन को नीति आयोग द्वारा 2018 में प्रस्तावित किया गया था। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण अर्थात NHA स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने देश में राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन को लागू करने की मंजूरी दे दी है। इस डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के तहत प्रत्येक भारतीय को एक हेल्थ आईडी कार्ड दिया जाएगा। यह कार्ड हेल्थ अकाउंट के रूप में काम करेगा जिसमें व्यक्ति की पूर्व चिकित्सा स्थितियों, उपचार और निदान के बारे में भी जानकारी शामिल होगी। इसके अंतर्गत हेल्थ आईडी, डिजी डॉक्टर, स्वास्थ्य सुविधा रजिस्ट्री, व्यक्तिगत स्वास्थ्य रिकॉर्ड, ई फार्मेसी, टेलीमेडिसिन के माध्यम से नागरिकों को समय पर सुरक्षित और सस्ती स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध होगी। एक नजर हेल्थ आईडी पर। यूनिक हेल्थ आईडी में प्रत्येक बीमारी परीक्षण और सभी डॉक्टरों के साथ साथ नैदानिक परीक्षण और निर्धारित दवाओं के परिणाम शामिल होंगे। हेल्थ आईडी कार्ड को आधार और एक व्यक्ति के मोबाइल नंबर जैसे विवरणों की मदद से बनाया जाएगा और प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक यूनिक आईडी बनाई जाएगी। यह पूरी तरह से स्वैच्छिक तरीके से काम करेगी। इसमें यह विकल्प भी दिया जाएगा कि इसे आधार से लिंक करवाएं या नहीं। यह हेल्थ आईडी राज्यों, अस्पतालों, पैथोलॉजिकल लैब और फार्मा कंपनियों में उपयुक्त होगी। अब बात करेंगे इसके उद्देश्यों पर। राष्ट्रीय स्वास्थ्य आईडी निर्माण का उद्देश्य व्यक्ति के स्वास्थ्य से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी को भविष्य में उपयोग हेतु संग्रहित करना है। राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन का उद्देश्य राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है जो देश के नागरिकों को सस्ती और सुरक्षित स्वास्थ्य सेवा प्रदान करता है। यह मिशन संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य 3.8 के सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की दिशा में भी एक बड़ी उपलब्धि होगी। अब ये रहा आज का प्रश्न। प्रश्न है, राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के तहत दिए जाने वाले हेल्थ आईडी कार्ड से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है, यूनिक हेल्थ आईडी में प्रत्येक बीमारी परीक्षण और सभी डॉक्टरों के साथ साथ नैदानिक परीक्षण और निर्धारित दवाओं के परिणाम शामिल होंगे। कथन दो है, हेल्थ आईडी को आधार से लिंक करवाना या नहीं करवाना स्वैच्छिक है। उपरोक्त में सत्य कथन है, विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, विकल्प डी ना एक ना ही दो। कमेंट सेक्शन में आपके जवाब का इंतजार रहेगा। पिछले वीडियो में जो प्रश्न पूछा गया था उसका सही जवाब है विकल्प सी। इसके साथ ही इस वीडियो को हम विराम देते हैं। धन्यवाद। Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.